आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, इसका नाम है यूपी ब्लॉग्स। सो आज हम जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए और आज पक्की बात है कि अच्छा कंटेंट आएगा, उसकी आज फिक्र मत करो। आज हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे वंश और मैं कि अच्छा कंटेंट दें आपके लिए, लेकिन आपको छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो है आपको करना पड़ेगा लाइक, कमेंट, शेयर और यार सब्सक्राइब तो पक्का ही करना है। निकले हैं पीछे रेस्टोरेंट से खाना खा के और जा रहे हैं सीधा सामने सिटी पैलेस, हमारी पहली मंजिल। अभी मिलते हैं टिकट विकेट लेके। ये है सिटी पैलेस का गेट और इसी के सामने है पुलिस स्टेशन उदयपुर का। करूँ तेरी शिकायत कर दूँ मैं, लेट कर रहा तू है नहीं, हाथ जोड़। ले ली टिकट, क्या पड़ा प्राइस? ये अभी जो 30 पड़ा। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है सारा। वो एंट्री गेट है, हम नीचे से ऊपर आए हैं अभी और अभी और ऊपर जाना है, आप पीछे देख सकते हैं और ऊपर जाना है। और अगर आपको अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी से आना है, जैसे कि वो गाड़ी आ रही है, और अगर उस गाड़ी से आना है और पार्किंग करनी है तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 350। लेकिन हमने नहीं किया, हमने पास ही में एक होटल था और उन्होंने कहा हमें 100 रुपये दे दो, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी एकदम, और पैदल जाओ मस्त आप ब्लॉगिंग करते हुए। तो हमने बोला ठीक है, ये आइडिया अच्छा है, 100 रुपये में आपकी पार्किंग हो जाएगी। और आपको लग रहा होगा धूप काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है, ऐसा नहीं है। देखो मेरे पास इतने उठ रहे हैं, बहुत ठंडी चल रही है ना, कैसे बता रहा बहुत ज़्यादा। हम वहाँ से चलते हुए आ रहे थे, मम्मी पापा वो रहे और यहाँ पे डिवाइड आया। और यहाँ पे अगर आपको जाना है तो यहाँ बोट राइड है, हमने जो टिकट ली है 30 रुपीज़ की पड़ी है। और 30 रुपीज़ में हमारा क्या है, सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स, हम बस कॉम्प्लेक्स में घूम सकते हैं। अंदर जाने के लिए जो प्राइस था वो 300 रुपये था, तो हमने सोचा हमारे पास टाइम भी नहीं है और घूम पाएंगे नहीं, तो इतना पे करने का कोई बनता नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि कोई बात नहीं, बार बार घूम लेते हैं जल्दी से और फिर कहीं और जाएंगे तो वहाँ अंदर घूम लेंगे, क्योंकि सिटी पैलेस सब एक जैसे ही होता है, आपको तो पता ही है। बाकी यार ये व्यू चेक करो आप एक बार, पैलेस के साथ में ही लेक है। अभी हम शायद अगर हमारे पास टाइम मिला तो शाम में हम उस साइड में घूमेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे जग मंदिर और पैलेस और काफ़ी कुछ है, बोट राइड भी है। नीचे से अगर टिकट नहीं ले सके तो ऊपर से भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। और यहाँ से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स पैलेस का। तो ये है अपना सिटी पैलेस का कॉम्प्लेक्स और आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉप्स हैं और इस साइड भी शॉप्स हैं, ये बीच में छोटा सा गार्डन है ना। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम सिटी पैलेस में है और सिटी पैलेस जो है वो उदयपुर में है, और उदयपुर कहाँ है वो है राजस्थान में। ओके, सो ये जो सिटी पैलेस है ये बना था 400 साल पहले, और किसने बनाया था? तो ये बनाया था महाराणा उदय सिंह टू ने, जो कि तब बनाया गया था जब चित्तौड़ से उन्होंने अपना कैपिटल यहाँ शिफ्ट किया था। सो महाराणा उदय सिंह सेकेंड जो सिसोदिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो राजपूताना फैमिली है पूरी, इसलिए आप देख सकते हैं, इधर आइए आप देख सकते हैं कि पूरा जो महल बना है वो राजपूताना आर्किटेक्चुरल बेसिस पे बना हुआ है। तो हम वहाँ से उतरे, वहाँ से चढ़े थे, यहाँ से उतरे
और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गंगोर घाट, जो कि यहीं पर ही पास में पैदल का रास्ता है, तो गाड़ी हमने लिया नहीं है। सो ये है जगदीश टेम्पल, मार्केटों से बीच में होते हुए इसका रास्ता था, जो कि बना हुआ है रॉयल पैलेस यानी सिटी पैलेस से नीचे उतरते ही। और ये जगदीश मंदिर इसलिए है क्योंकि जगदीश राय जी हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, और इसको जगदीश जी के नाम से भी कहा जाता है। और ये उदयपुर के बीचों बीच बनाया और काफ़ी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, तो काफ़ी फेमस है और काफ़ी सुंदर है, तो अंदर से दिखाते हैं। यहाँ के तो बच्चे खेल रहे हैं, और मंदिर जो है ये जगदीश टेम्पल 4 बजे खुलता है, और अभी बज रहे हैं 3:40, तो हमारे पास टाइम नहीं है इतना वेट करने का, तो बाहर बाहर से ही देख लिया, बाहर से हाथ जोड़ लेंगे हम भगवान के लिए। बाकी बाहर जो आर्किटेक्चर है काफ़ी बहुत प्यारा है यार, और बहुत पुराना भी जिस तरीके से। हाँ ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है ये टेम्पल। ये इसकी एंट्रेंस है, जो हमने एंट्रेंस ली थी वो थी बैक एंट्रेंस, क्योंकि फ्रंट से बंद हो रखा है और फ्रंट से जो है बस उतरने का ही है, तो इसीलिए। फैक्ट टाइम, ज्ञान बांटने का टाइम, और ये है जो मैं जहाँ खड़ा हूँ उसको कहते हैं गंगोर घाट, और जो आप वहाँ देख रहे हैं उस साइड वाइट महल्स है, वो है लेक पिचोला। सो लेक पिचोला जो है वो बना था 1362 में, और ये पिचोला जो है पहले एक पिचोला गांव था, उसी टाइम में उन्हीं लोगों ने बनवाया था, उसी के बाद ये नाम पड़ा था लेक पिचोला। और ये जो आप लेक देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा ये असली, पर ये असली नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि उसी टाइम पे बनवाया था महाराजा या लोगों ने। और ये जो लेक है ये 7 किलोमीटर तक पूरी फैली हुई है और पूरी वादियों से घिरी पड़ी है, पीछे देखो पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। तो ये है सज्जनगढ़ पैलेस, उसका एंट्री गेट। यहाँ पे जो प्राइस है इंडियन सिटीजन का अडल्ट के लिए वो है 70 रुपीज़, और अगर आपको गाड़ी ऊपर ले जानी है तो वो है 220। हम लोग जा रहे हैं मॉनसून पैलेस, जो कि पहाड़ पे है ऊंचाई पे, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और बाहर का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि हम शाम के वक्त इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सनसेट होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। तो इनको वो दिखा, सीन दिखा यार, घुमा कैमरा एक बार। तो फिर मिलते हैं ऊपर मॉनसून पैलेस पे सीधा। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, आओ 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 आओ, हाय सलमान खान आ जाएगा, जल्दी जाओ, जल्दी 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 सलमान खान आ रहा है, जल्दी 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 बेटे सलमान खान आ जाएगा, फिर मत बोलना कि हमने वार्न नहीं करा। हाँ देखा अभी गया। फिर से स्वागत है आपका ज्ञान टाइम पे।
सो ये पैलेस का नाम है मॉनसून पैलेस, जो कि ऑल्सो नोन एज सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो महाराजा थे उनका नाम था महाराजा सज्जन सिंह, जो कि 1884 में किला बना था और ये बना है पहाड़ों के बीचों बीच, पहाड़ों के ऊपर, और ये देता है पैनोरामिक व्यू पूरे उदयपुर का, और हर जगह से यहाँ से दिखते हैं लेक और लेक, और बहुत ही प्यारा व्यू है। आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं वो व्यू। वो है घोड़े और साइड में है फतेह सागर लेक, और हम जा रहे हैं कुछ स्ट्रीट फूड खाने के लिए क्योंकि हमने सुना है उदयपुर का स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे पूरी, मतलब लेक के साइड बाय साइड काफ़ी सारी शॉप्स हैं, यहाँ से शुरू हो गया है। और यहाँ पे आप घोड़े की सवारी कर सकते हो, ऊँट की सवारी कर सकते हो, और साइकिल होती है डबल सीट वाली उस पर भी रेंट कर सकते हो उसको लेके, और यहाँ पे चला सकते हैं। तो जस्ट अभी मेरे पीछे यहाँ का सबसे जो फेमस फूड स्टॉल है जिसका नाम है यहाँ जैसा आप देख सकते हैं साई सागर कॉफी एंड मोर, तो ये आपको फतेह सागर लेक के जस्ट सामने मिलेगा। और इसकी स्पेशलिटी है कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, विदाउट आइसक्रीम, मैगी, पनीर टिक्का और चीज़ सैंडविच। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू मिलता है सामने लेक का, अभी काफ़ी ज़्यादा व्हीकल है तो आपको शायद ना दिखे। ये ईट आउट रेस्टोरेंट है, ये स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छा देता है। ये है अलग ही डोसा, इस डोसे का नाम क्या है भैया? अच्छा, ये है मेन्यू कार्ड, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ है डोसे की, और इस डोसे को स्पेशली कहते हैं सिगड़ी डोसा। सिगड़ी डोसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इसका तवा देखो काफ़ी मोटा है, और हिंदी में इसको कहते हैं अंगीठी, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस पे डोसा बनता है। अरे यार दोस्तों, व्लॉग एडिट कर रहा था तो याद है व्लॉग एंड करने ही भूल गया, और आज तो कंटेंट भी मिल गया। तो बताइए यार कंटेंट आपको आज का कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, और मतलब दिल से बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कल कहाँ जाएंगे मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आपको तो ज़रूर बताएंगे और दिखाएंगे भी। बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।